हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं बात करूंगी कॉफ़ी की। जो कॉफ़ी लवर्स हैं और उनको कॉफ़ी चाहिए वेट लॉस के साथ, तो वे कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है समर में। और हॉट कॉफ़ी की बात की जाए तो वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हम वर्कआउट पे जा रहे होते हैं तो कई बार हम थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी पीकर जाते हैं, और उससे क्या होता है कि थोड़े से एनर्जी लेवल बूस्ट हो जाते हैं, बॉडी का BMR बढ़ जाता है। तो कॉफ़ी का अगर हम मॉडरेशन में यूज़ करें तो बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारी बहुत सारी बॉडी एक्टिविटीज़ के लिए। मैं हूं आपकी दोस्त डाइटिशियन नीना सेठ फ्रॉम नीनाज न्यूट्रिफिट क्लिनिक मालवीय नगर। तो कॉफ़ी की मैं बात कर रही हूं तो पहले मैं आपको शेयर करती हूं ये सारी कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपीज़ जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हैं, जिनका मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और आप इसे बहुत अच्छे से अपनी वेट लॉस जर्नी में यूज़ कर सकते हैं और सभी तरीके के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये कोल्ड कॉफ़ी। आइए बनाते हैं आपके लिए ये वेट लॉस कॉफ़ीज। और ये पूरी 5 रेसिपीज़ मैंने बनाई हैं, जिसके लिए एलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क मैंने घर पर ही बना रखा है। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे है और ये अभी बहुत चिल्ड है, तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। हम लेंगे पहले एलमंड मिल्क 1 कप, और ये कॉफ़ी आप अपने पोस्ट वर्कआउट के बाद पियेंगे तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। इसमें डाल दी है मैंने कॉफ़ी। और कॉफ़ी डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट शुगर, और आप चाहें तो हनी या मैपल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी ही वीगन कॉफ़ी के फ्लेवर्स में आज बनाने वाली हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे, और ये देखिए हमारा फर्स्ट फ्लेवर बनकर तैयार है। और जिसमें मैं डालूंगी बेजिल सीड्स, जो आपको बहुत फिलिंग रखेंगे और आपको समझ में कूलिंग इफ़ेक्ट देंगे। और इस तरीके से हमारी फ़र्स्ट कॉफ़ी बनकर तैयार है। और इसमें हम डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा कोको पाउडर, और इसको आप लेंगे अपने पोस्ट वर्कआउट के बाद। ऊपर से मैंने थोड़े से पम्पकिन सीड्स और मेलन सीड्स डाल दिए हैं, और ये बहुत ही अच्छी बाइट देते हैं कॉफ़ी में। तो आप इसे अपने पोस्ट वर्कआउट के बाद ज़रूर पीजिएगा। अब मैं बना रही हूँ कोकोनट मिल्क से अपना दूसरा फ्लेवर, जिसमें मैंने मैंगो लिया है और साथ में ही ओट्स लिए हैं, डेट्स ली है। इसमें मैं थोड़ा सा हनी का यूज़ कर रही हूँ, और आप चाहें तो हनी अवॉइड कर सकते हैं। इसमें ओट्स और डेट्स डाल दी हैं, मैंगो डाला है, ये हाफ मैंगो है, और साथ में ही इसमें मैंने आइस डाल दी है और कॉफ़ी डाल दी है। और अब ये देखिए ये बनकर तैयार है, और ये मेरी फेवरेट कॉफ़ी है, और इसको मैं ब्रेकफास्ट में अक्सर लेती हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है। ऊपर से मैंने इसमें कोको पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा हनी भी, और आप हनी अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं फिर से एलमंड मिल्क ले रही हूँ, और अब मैं बनाने वाली हूँ बनाना कॉफ़ी। और जिसके लिए मैंने अनस्वीटेंड पीनट बटर लिया है, जिसकी रेसिपी मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और साथ में ही इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, आइस डाल दी है, डेट्स डाल दी है, और अब हम इसमें 1 बनाना डाल दे रहे हैं। और इसको कर देंगे हम कॉफ़ी डालने के बाद ब्लेंड, और ये बहुत ही टेस्टी फ्लेवर है, और आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी अगर आप इसका मिड मील में या ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं। तो ये कॉफ़ी हमारा थर्ड फ्लेवर बनकर तैयार है, जिसके ऊपर मैंने अगेन कोको पाउडर डाल दिया है। और अब हम फिर से ले रहे हैं कोकोनट मिल्क, और ये हम बनाने वाले हैं कुकीज़ कॉफ़ी। और ये कुकीज़ कॉफ़ी मैंने ली है डाइजेस्टिव बिस्किट्स, और इसमें मैंने डाली हैं डेट्स, और ये 2 डाइजेस्टिव बिस्किट इसमें डाल दे रही हूँ, और साथ में ही इसमें डाल रही हूँ कॉफ़ी पाउडर। और अब हम इसको फटाफट से ब्लेंड कर देंगे, और ये देखिए इसमें मैंने बेजिल सीड्स डाल दिए हैं अगेन, और इसको अब हम इसमें पोर करेंगे इस ग्लास में। और ये बहुत ही फिलिंग कॉफ़ी है और बहुत ही टेस्टी है, कोको पाउडर मैंने ऊपर से डाल दिया है। अब हम अपना 5th फ्लेवर बनाते हैं, जो एप्पल सिनेमन कॉफ़ी है। और इसके लिए मैंने पील के साथ हाफ एप्पल लिया है, और इसमें मैंने डाल दी हैं डेट्स, और साथ में ही मैं इसमें डालूँगी आइस और कोकोनट शुगर भी डालूँगी, और इसमें मैं एलमंड मिल्क डाल रही हूँ। और इसमें मैं
कोकोनट शुगर डाल रही हूँ, आप चाहें तो मैपल सिरप और हनी डाल सकते हैं, और साथ में ही इसमें सिनेमन पाउडर डाल दिया है और कॉफ़ी डाल दी है, और अब हम इसको कर देंगे ब्लेंड। और ये देखिए ये कितनी टेस्टी बनकर हमारे 5 फ्लेवर्स तैयार हैं, और इसके ऊपर भी मैं कोको पाउडर डाल दूँगी। और इन फ्लेवर्स में से आप कोई भी फ्लेवर अपनी वेट लॉस जर्नी में यूज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस यूज़ कॉफ़ी की बात मैं करूँ तो ये सारी ही कोल्ड कॉफ़ीज़ की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी है, और साथ में ही आप इनका वेट लॉस में यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात की जाए तो ये बी विटामिन्स में रिच होती है, आपके ब्रेन को बूस्ट करती है, आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है। आप वर्कआउट पे से अगर पी कर जाते हैं तो ज़्यादा वर्कआउट कर सकते हैं, बट इसका हमेशा मॉडरेशन में यूज़ करना चाहिए। और ये डिप्रेशन को भी ट्रीट करती है और हमें बहुत सारे कैंसर डिजीज से बचाती है, और साथ में ही ये हमारे मूड स्विंग्स को भी कंट्रोल करती है। तो कॉफ़ी जो है हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, और डायबिटीज़ 2 वालों के लिए अच्छी होती है, ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो ये ओवरऑल हेल्थ के लिए अगर मॉडरेशन में यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आशा करती हूँ कि ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी, और जब आप इसे बनाइएगा तो मुझसे इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हेल्दी अपडेट्स मिलते रहें। मुझसे मिलने के लिए, डाइट प्लान लेने के लिए आप मुझसे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और अबाउट सेक्शन में पूरी डिटेल है, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच।